अगर दोस्तों आपके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड बीओबी का आपके पास है, उसकी लिमिट आपको कम मिली हुई है 10,000, 15,000, 25,000, तो किस तरीके से आप उसकी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा स्टेप देखिए और अच्छी तरीके से इस वीडियो को आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको क्रेडिट को बढ़ाने के लिए आपको एक क्रेडिट मैनेजर को मेल करना होगा और मेल के थ्रू आपको बताना होगा कि मैं काफ़ी दिनों से इसका यूज कर रहा हूँ, तो मेरी लिमिट बढ़ा दीजिए। तो किस तरीके से आपको रिक्वेस्ट डालनी है, सबसे पहले आपको अपना मेल का ऐप, अब आप जब मेल ओपन करेंगे तो आपको उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर मेल करना है जो आपने क्रेडिट कार्ड में दी थी। अगर नहीं दी थी तो आप दूसरी ईमेल आईडी से कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसी ईमेल आईडी से आप मेल कीजिए। आपको सिंपली यहाँ पर टू में लिख देना है, जो आईडी है मतलब क्रेडिट मैनेजर की बैंक ऑफ बड़ौदा की, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ साइड में। तो चलिए इस तरीके से आपको लिख, ये है crm@bobfinancial.com। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है क्रेडिट लिमिट इनक्रेस, ठीक है। उसके बाद कंपोज मेल में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, वो सिंपली कॉपी करके आपको लिख देना है। बस आपको इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत रहेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। आई हैव बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड आई एम यूजिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। आप कितने सालों से इसका यूज कर रहे हैं तो वो आपको लिखना होगा। मैं 1 साल से कर रहा हूँ, आप 6 महीने करें तो 6 मंथ यहाँ पर लिखना होगा। और माई क्रेडिट कार्ड लिमिट 25,000, आपकी जो भी लिमिट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको लिखेंगे प्लीज़ इंक्रीज माई क्रेडिट लिमिट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर लिख के थैंक यू। उसके बाद ऊपर सेंड पे क्लिक करना है, मेल पे ऊपर सिंपली आप सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। अब इसका रिप्लाई आपको 12 घंटे या फिर ज़्यादा बाद आएगा, उसके बाद वो आपको उधर से रिप्लाई आएगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस तरीके से आपको मेल देखने को मिलेगा, इस मेल में ये आपको बता दिया जाएगा। अगर आप सैलरीड है तो कम से कम 2 महीने का स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट आपके पास नहीं तो 2 महीने की सैलरी स्लिप PDF फाइल में आपको इसी ईमेल आईडी पर मेल करना होगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ITR यहाँ पर मेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मेल के आने के बाद सिंपली आप जो है अटैच करके फाइल को फिर से सेंड कर देंगे, उसके 48 घंटे के बाद आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, ये आपको मेल पर बता भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसकी लिमिट को इंक्रीज करके रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और